हेलो बच्चों, तो आज हम एक और रिमेनिंग टॉपिक ले आए क्योंकि अपना नेक्स्ट चैप्टर हम 21 नवंबर कल स्टार्ट करने वाले हैं और जिसके लिए कम्युनिटी में एक पोल चल रहा है कि केमिस्ट्री में आपको जीओसी चाहिए या आइसोमेरिज्म नेक्स्ट चैप्टर और फिजिक्स में आपको थर्मोडायनेमिक्स चाहिए कि एसएचएम चाहिए। तो अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके अपना वोट दें ताकि कल से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। आज हमने आईयूपीएससी का एक बचा हुआ लेक्चर कंप्लीट किया, आज सेंटर ऑफ मास का ये लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शंस। तो कई लोग ने इसके लिए कमेंट भी किया था कि हमारे पास ऑलरेडी एक मास दे रखा हो, उसमें से कोई पार्ट काट के बाहर निकाल लें तो रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। इसके अंदर एक कंसेप्ट ऑफ निगेटिव मास लेंगे और इसके लिए ये फॉर्मूला। तो ये सारी बातें करते हैं। मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका ये प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, पता नहीं कितना प्यारा है, हाँ हमारे लिए तो बहुत प्यारा है। तो बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क थी, एक सर्कुलर डिस्क थी और उसमें से हमने, है ना, उसमें से हमने चाकू लेके यहाँ से एक मास काट के बाहर निकाल लिया। हमसे कहा रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। देखो, अगर पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास पूछता तो आप बोलते सेंटर में। अब इसमें से ये पार्ट निकाल लोगे तो बचे हुए मास का सेंटर कुछ इस तरफ होगा कि नहीं। ये इतने मास का, इस मास का सेंटर कुछ इस तरफ होगा। तो यही हमसे पूछा है, इसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। तो इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं। इस बॉडी को हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडी समझ सकते हैं। पहली बॉडी होगी कंप्लीट डिस्क, एक हमने लिया कंप्लीट डिस्क, पूरी की पूरी डिस्क ली हमने, इसका मास मान लो एम वन है। और इस डिस्क के ऊपर अगर हम एक नेगेटिव मास रख दें, एक माइनस एम टू नाम का मास हमने लिया। सोचो, देखो सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते थे, हमारे पास फॉर्मूला होता था आर सी ओ एम का, याद है, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। अगर हमारे पास दो मासेस हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास ऐसे निकाल सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, एक मास ये कंप्लीट डिस्क ले लो और एक ले लो नेगेटिव मास माइनस एम टू, यानी एक तो एम वन आर वन में ये हो गया और एम टू आर टू की जगह माइनस एम टू नेगेटिव मास। अगर मैं ये इसके ऊपर रख दूं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के यही तो बनेगा नेगेटिव मास, एक ऐसी इमेजिनरी कंसेप्ट है ना। अगर ये नेगेटिव मास यहां पर रख दूं, नेगेटिव मतलब जितना मास है उसको खा जाएगा, तो ये मास नेगेटिव आके यहां के उतने मास को खा जाएगा, तब ये शेप हमको मिलेगा, ये बॉडी हमें मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास इस एक बॉडी को हम दो बॉडी के कॉम्बिनेशन में तोड़ सकते हैं, एक M1 एक माइनस M2। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, और माइनस M2 को उठाकर जहां पे दिया था, जिस जगह पे बोल रखा था वहां पे पुट कर दो, माइनस M2 यहां का मास खा जाएगा। अब एक बॉडी हो गई कंप्लीट M1, नीचे वाली M1 ये बचा हुआ नहीं है, M1 इज दी होल, M1 इज दी होल बॉडी एंड माइनस M2 इज ओनली दी रिमूव्ड पार्ट। एक बॉडी पूरी थी, एक ये रिमूव वाला, दोनों को जब जोड़ोगे, दोनों बॉडी को कंबाइन करोगे तभी तो ये बनेगा। ये पूरी बॉडी थी यहां पे, इसको उठा के यहां पे रख दिया। अब इन दोनों बॉडी का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है उसका फॉर्मूला होगा आर सी ओ एम इज इक्वल्स टू एम वन आर वन, प्लस की जगह क्या लग जाएगा माइनस, ये नेगेटिव मास, एम टू आर टू और नीचे एम वन प्लस की जगह माइनस एम टू। बोलो लॉजिक समझ में आई, से फॉर्मूला तो कई किताबों में सीधा सीधा लिखा है, लॉजिक समझ में आई क्या बताया, कि एक तो पूरी बॉडी पीछे वाला पूरा मास लिया और उसके ऊपर एक नेगेटिव मास, अब ये दोनों मास का सिस्टम मिलाकर ये चीज बन जाएगा। और फॉर्मूला प्लस की जगह माइनस, क्योंकि नेगेटिव मास का कंसेप्ट हमने बनाया नया, हमने कहा उतना मास माइनस कर दो, बढ़िया लॉजिक चलेगी। सो एम वन आर वन माइनस एम टू आर टू अपॉन एम वन माइनस एम टू। अब इसमें एक छोटा सा इंप्रूवमेंट और है, मान लो इस पूरी बॉडी का मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, सेंटर ऑफ मास के कई लेक्चर में इसकी बात हो चुकी है। ये क्या होता है मास पर यूनिट एरिया, ये होता है कि हमारे पास एक मीटर स्क्वायर का
अगर कोई हमसे मास पूछे तो हम बोलेंगे सिग्मा है। 2 मीटर स्क्वायर का कोई हमसे मास पूछे हम बोलेंगे 2 सिग्मा है, है ना। 3 मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना होगा? 3 सिग्मा। इसी तरह से किसी बॉडी का अगर एरिया ए है तो उसका मास कितना हो जाएगा? सिग्मा ए। सही, एरिया 1 था तो मास सिग्मा था, एरिया 2 तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा, मतलब पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मास सिग्मा है तो डबल एरिया का 2 सिग्मा, 3 एरिया का 3 सिग्मा, ए एरिया का सिग्मा ए। मान लो इस पूरी बॉडी का एरिया A1 है और रिमूव्ड पार्ट का एरिया A2 है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि A1 किसका एरिया है, बची हुई का नहीं, पूरी बॉडी का एरिया A1 और रिमूव्ड का एरिया A2। तो मैं चाहूं तो इस बॉडी के मास को लिख सकता हूं सिग्मा इंटू A1। पूरी बॉडी का मास पर यूनिट एरिया सेम है, यूनिफॉर्म है ना, तो इसका मास कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू A1, इसका एरिया A1, और इसका मास सिग्मा इंटू A2। सिग्मा A1 सिग्मा A2 सिग्मा सिग्मा कैंसिल। सो RCOM का एक और जनरल फॉर्मूला बन जाएगा A1 R1 - A2 R2 / A1 - A2। क्लियर हुआ? क्वेश्चन तो तुरंत ही लेंगे, इसके कंसेप्ट क्लियर हुआ। M1 को हम लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स ऑफ A1 और इस मास को हम लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स ऑफ, और ये नेगेटिव मास है वो तो बात है ही, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का मास सिग्मा है, 2 का 2 सिग्मा, ए का ए सिग्मा, तो इसका मास सिग्मा A1 यानी M1 की जगह सिग्मा A1, M2 की जगह सिग्मा A2, सिग्मा 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 कैंसिल और ये फॉर्मूला। अगर ये दो बातें आपको समझ में आ गई तो आपने इसके सारे क्वेश्चन हिला देने हैं। चलिए मैं इसका न्यूमेरिकल लेता हूं, मैं आपको 1 2 3 3 न्यूमेरिकल कराता हूं और एक होमवर्क में देता हूं, छोटा लेक्चर है वो तो आप देख के समझ गए होंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसका मैं दे रहा हूं कि सभी किताब में सवाल दिया है, ये हमारे पास एक प्लेट है और इस प्लेट का मास पर यूनिट एरिया हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म प्लेट है, यूनिफॉर्म, ठीक है, हर बार लिखा रहेगा ये सब, यूनिफॉर्म प्लेट है, यूनिफॉर्म प्लेट है, यूनिफॉर्म डिस्क है कह लो, ठीक है। इसका रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस आर है। इसमें से हमने एक और डिस्क काटी, एक डिस्क हमने इसमें से काट ली दिस इज रेडियस आर, इतनी डिस्क हमने इसमें से रिमूव कर ली, हमसे पूछा रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, ये रहा रिमेनिंग पोर्शन। इनिशियल सेंटर ऑफ मास सबको पता है कहां पे होगा, सेंटर पे होगा, है ना, बड़ी वाली डिस्क का रेडियस आर है, बोला रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पे है। कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, आप इसको बना लो अपनी बेस लाइन, अपनी रेफरेंस लाइन, कहीं ना कहीं ओरिजिन चूज करना पड़ेगा भाई, तो हम इस पॉइंट को यानी इनिशियल सेंटर को ओरिजिन मानते हैं, आप कहीं भी मान सकते हो, हम इनिशियल सेंटर को ओरिजिन मानते हैं, ये अपना ओरिजिन 0.0 जो शुरुआत में सेंटर ऑफ मास था बड़ी वाली डिस्क का या बिना कटी वाली डिस्क का। अब हमें रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास चाहिए तो 2 फॉर्मूले लगेंगे, XCOM का और YCOM का। क्या फॉर्मूले लगाओगे? A1 R1 - A2 R2 या R की जगह X लिख लें, A1 X1 - A2 X2 / A1 - A2। YCOM के लिए A1 Y1 - A2 Y2 / A1 - A2। फिर से बोल दूं, A1 पूरी डिस्क का एरिया, A2 सिर्फ इसका एरिया, क्यों कर पाए एरिया वाला, क्योंकि यूनिफॉर्म है हर जगह, A1 पूरे का एरिया और A2 उसका। चलिए यहां से चलते हैं, XCOM निकालने की कोशिश करते हैं, A1 पूरी डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू X1, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास 0 पे ही होगा, इनिशियली यहीं पे तो रहा होगा, तो 0 माइनस A2 इसका एरिया, बच्चों इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस होगा R/2, पूरा R है तो R/2, सो पाई R/2 का स्क्वायर इंटू X2,
यानी इसका सेंटर ऑफ मास। बच्चों इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का, यानी 0, r/2, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के हिसाब से इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स में तो जीरो है, सॉरी r/2, 0 ना, एक्स में तो r/2 है, वाई में जीरो, सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं, एक्स में कितना बड़े r/2 और वाई में जीरो, तो r/2, 0, तो दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास आ रहा है r/2 पे, नीचे a1 - a2, a1 इज पाई आर स्क्वायर, a2 इज पाई r/2 का स्क्वायर, पाई 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 कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, चलो पाई पाई कैंसिल करते हैं, पहले ये हो जाएगा r स्क्वायर और एक और r क्यूब डिवाइड बाई 4, 2 = 8 डिवाइड बाई, पाई पाई तो कैंसिल हो गया, r स्क्वायर और ये होगा r² / 4, r² / 4, तो 4 - 1, 3 r² / 4, और यहां माइनस लगा रहेगा, सही लिख रहा हूं, ये पूरा जीरो हो गया, r² / 4, 4 r² - r² 3 स्क्वायर, सो -r³/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 r², 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, r² से ये कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज -r/2 = 6, तो आपको xCOM मिल गया कितना है -r/6, मतलब रिमेनिंग बॉडी का, ये किसका निकला xCOM, रिमेनिंग बॉडी का xCOM क्या है -r/6, यानी ओरिजिन से r/6 पीछे यहां कहीं पे, अभी पता नहीं, भी y भी देखना है कि y तो वेरी नहीं हुआ, ओरिजिन से पीछे जाना है -r/6। अब बात आती है yCOM की बच्चों, तो yCOM जीरो ही आएगा, टेंशन मत लो, चलो देखते हैं, a1 पूरे का एरिया, y1 पूरे का सेंटर ऑफ मास y में कितना है जीरो, -a2 इसका एरिया, y2 इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है y में, कहां पे है जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो yCOM तो जीरो आएगा रिमेनिंग का भी, सो रिमेनिंग का जो कोऑर्डिनेट बन रहा x में -r/6, y में जीरो, यानी यहां पे x में -r/6, y पे जीरो, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग बॉडीज सेंटर ऑफ मास, आसान है, चलिए एक आप करके दिखाइए, पक्का इजी है, वेरी गुड, एक मैं आपको जेई का सवाल देता हूं, आईआईटी का बहुत पुराना सवाल है, शायद 90s का सवाल है ना, बहुत ही पुराना सवाल है, बट आप ट्राई करो कम से कम, हलवा एकदम, थोड़ा लॉजिक लगानी पड़ेगी, चलो मैं चार ऑप्शन भी दूंगा, तो क्वेश्चन है कि मेरे पास यहां पे एक सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, सब यूनिफॉर्म, और इसमें से हमने एक डिस्क और काट ली, अच्छा जो ओरिजिनल डिस्क थी उसका डायामीटर कैपिटल डी 56 सेंटीमीटर, और जो रिमूव्ड डिस्क है उसका डायामीटर स्मॉल डी 42 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरी डिस्क का डायामीटर कितना है 56 और रिमूव्ड का डायामीटर कितना है 42, वही क्वेश्चन है, फाइंड दी सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, आप जरूर ट्राई करिए इसको, a b c d, तो आपके ऑप्शन है 0, 7, -7, 0, 0, 9, -9, 0, चलिए पॉज करके ट्राई करिए, बढ़िया सवाल, लॉजिक लगाइएगा, 1, 2, 3, 4, 5, पॉज करके ये करिएगा, पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए तभी आइएगा वापस, ओके द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3, 4, 5, d, कैसे आइए देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, तो भाई साहब आपको रिमेनिंग बॉडी का x और y निकालना है, पहले आपको ओरिजिन कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी,
तो ओरिजिन इन्होंने वहीं पे मानी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क, ठीक है, आप भी वहीं मान लेना, कहीं और से मानोगे तो आंसर अलग आएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क को हमने मान लिया ओरिजिन, मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन है अपना। अगर ये ओरिजिन है बच्चों, प्यारे बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिनल डिस्क का डायमीटर 56 है तो रेडियस हो जाएगा 28, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर, सही है, ये ओरिजिन है अपनी, इसको अपन क्या लिखेंगे 0.0। रिमूव डिस्क का डायमीटर 42 है तो इसका रेडियस कितना होगा 21, यानी रिमूव्ड वाले का सेंटर कहीं यहां पे होगा इस जगह पे, सच दैट दिस डिस्टेंस इज 21 सेंटीमीटर, अग्री कर रहे हो, रिमूव वाले का डायमीटर 42 है तो रेडियस 21 यहां से है, ये डिस्टेंस 28 आ रहा है ना, इसका रेडियस और इसका रेडियस से कम है 21। तो भाई साहब बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास 0.0 पे और रिमूव का सेंटर ऑफ मास बताओ, यहां से कुछ आगे बढ़े हैं कितना, ये 28 ये 21 कितना आगे 7.0, ये रिमूव्ड का है, वहां पे पूछा था रिमेनिंग का, क्लियर, ये 28 ये 21 तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आया, यहां से 7.0। ओरिजिन हमने इसके बड़े वाले के सेंटर पे ओरिजिन माना, इसका डायमीटर 56 था तो ये रेडियस हुआ इसका 28, इसका डायमीटर 42 तो इसका रेडियस 21, तो इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहां से 7.0। बस अब फॉर्मूला लगाना है, XCOM इज इक्वल्स टू M1X1 माइनस M2X2। अच्छा मास हर जगह यूनिफॉर्म है तो एरिया वाला लगा दें, A1X1 माइनस A2X2 अपॉन A1 माइनस A2। पूरे का एरिया पाई आर कितना है 28 का स्क्वायर इंटू इसका सेंटर ऑफ मास, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे है 0, माइनस कट पोर्शन का एरिया जिसको हटाया है, इसका एरिया होगा पाई, रेडियस कितना है 21 का स्क्वायर इंटू इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे है 7 पे, तो इंटू 7 डिवाइडेड बाय A1 पाई 28 का स्क्वायर माइनस A2 पाई 21 का स्क्वायर, ये टर्म हो गया 0, पाई 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 कैंसिल, क्या बचा 21 इंटू 7, यही बचेगा डिवाइडेड बाई 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, पाई पाई तो कैंसिल हो गया तो 28 प्लस 21 एंड 28 माइनस 21 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 28 प्लस 21 होगा 20, 49, 28 माइनस 21 होगा 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 7s are 49, 7 3s are 21, 7 1s are 7, 3s are 21, 9, और साथ में आगे माइनस लगाया देखो ये, सो माइनस 9, तो XCOM पीछे भागेगा डेफिनेटली पीछे, देखो ये रिमेनिंग पोर्शन यही तो है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा एक्चुअल में, तो ये गायब हो चुका है, देखो आपसे पूछा है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, इतनी बॉडी का, तो इतनी बॉडी का सेंटर ऑफ मास इससे पीछे इसी तरफ तो आएगा, इस तरफ कैसे जाएगा, मास सारा इस तरह, ठीक है। अब YCOM निकालोगे वो फिर से जीरो आएगा, निकाल के देख लो, हमेशा जीरो नहीं आता पर यहां पे आएगा, YCOM इज इक्वल्स टू A1Y1 माइनस A2Y2 अपॉन A1 माइनस A2, Y1 भी कितना है 0, Y2 भी कितना है 0, दोनों 0 तो YCOM 0, सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस 9.0 कहीं यहां पीछे, माइनस 9.0 क्लियर है, इसके सेंटर से लेफ्ट में 9 सेंटीमीटर, ऐसे भी आंसर लिखा था ऑप्शन में, सेंटर से ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से 9 सेंटीमीटर लेफ्ट में या बैकवर्ड। चलिए आ गया, अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैं आपको इंटीग्रेशन से करा चुका हूं, पर आज बिना इंटीग्रेशन के आप ट्रिक से उसको करो, एन्युलर सेमी सर्कुलर डिस्क, बोलने में टफ लग रहा है, सिंपल भाषा में समझाता हूं, ए सर ये सर ये, कोई हमसे कहे इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, सेमी सर्कुलर है डिस्क जैसा कुछ कुछ लग रहा है, सेमी सर्कुलर होगा क्या, कि बोला इसका सेंटर ऑफ मास और इसमें हमसे बोला जो इनर रेडियस है दैट इज R1 और जो आउटर रेडियस है दैट इज R2, हमसे कहा कि इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालो,
तो ये मैं आपको इंटीग्रेशन से करा चुका हूँ, आप चाहो तो जाके देख लेना, है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क वगैरह वाला लेक्चर सर्च करो, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क फिजिक्स वाला लिख दो, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसका आंसर आएगा 4/3πr³ - r1³/r2² - r1² आपको याद करने को नहीं कह रहा हूँ, हम लोग इतनी बार करते हैं सारी बॉडीज का कि रटा रहता है। ये हमने इंटीग्रेशन से किया था, आज इसको हम इस लॉजिक से करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो इसको आप इमेजिन कर रहे होगे कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क में से, एक सेमी सर्कुलर डिस्क में से एक सेमी सर्कुलर डिस्क काट ली है। इमेजिन हुआ, पूरी बड़ी वाली सेमी सर्कुलर डिस्क में से ये वाला पोर्शन ये पोर्शन रिमूव कर लिया है, इस लॉजिक से काम बन जाएगा, सिंपल है। अच्छा, क्या आपको समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? क्या सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा? इतना तो आपको लॉजिक से ही समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास हो ना हो इस लाइन पे ही मिलना है, उसके एक्स को लेके तो डाउट नहीं है भाई, सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास तो लाए तो करेगा इसी लाइन पे। बात ये इस लाइन पे कहां, यहां ऊपर, यहां 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 यहां, अरे समझ रहे हो, बॉडी सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास होगा तो बीच वाली लाइन पे। बस प्रॉब्लम ये है कि कितना नीचे या कितना ऊपर, क्योंकि मास कुछ नीचे भी है कुछ मास ऊपर भी, तो वो तो इसी लाइन पे। तो हमें क्या नहीं निकालना रिमेनिंग का, हमें रिमेनिंग का एक्स सी ओ एम निकालने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वाई चेक करना है कहां पे आएगा। अब वाई सी ओ एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, भाई यूनिफॉर्म बॉडी मास वास यूनिफॉर्म, ए वन वाई वन माइनस ए टू वाई टू अपॉन ए वन माइनस ए टू, बिना इंटीग्रेशन के खत्म। ए वन पूरे का एरिया, ए टू रिमूव्ड का एरिया, देखो ये रिमूव्ड पोर्शन है, इस बार इस पूरे में से ये वाला हटा दो तो एन्युलर सेमी सर्कुलर डिस्क मिल जाएगी। Y1 क्या है, पूरी डिस्क का, पूरी सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास। अब अगर आप भूल गए हो तो डिस्क का, डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3π पे, तो पूरे वाले का सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर होगा, पूरे वाले का रेडियस कितना है r2, तो 4r² / 3π। और कट पोर्शन वाली डिस्क का, ये y1 y2, कट पोर्शन वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास, भाई कट पोर्शन वाला अगर डिस्क देखो, एक ये बड़ी डिस्क एक छोटी डिस्क का अगर तुम रेडियस देखो तो r1, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर, 4 अच्छा y1, चलो ठीक है r1/3π, वो r1 r2 का थोड़ा इशू हो गया ना, ये r2 है, खैर छोड़, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां से होगा 4r/3π, और डिस्क का रेडियस कितना है r1। आ जाओ a1 पूरी वाली डिस्क का एरिया पाई, रेडियस कितना है पूरे वाले का r² / 2, सेमी सर्कुलर है ना, तो पूरी सर्किल का डिस्क का एरिया निकाल के 2 से डिवाइड, इनटू y1 इसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3π पे डिस्क का, दो डिस्क है, एक बड़ी वाली डिस्क है छोटी वाली डिस्क, तो बड़े वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा 4r² / 3π पे, माइनस a2 इसका एरिया पाई r² / 2 कर देंगे क्योंकि ये भी सेमी सर्कुलर है, और इसका सेंटर ऑफ मास y में होगा 4r³/3π डिवाइडेड बाई a1 - a2 पाई r² / 2 माइनस पाई r² / 2, π/2 कैंसिल, π/2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 4r³ - 4r³ और नीचे 3π 4 कॉमन ले लें 4/3π और नीचे बच रहा r² - r1² देखो बिना इंटीग्रेशन वगैरह किए सीधा आंसर y c o m ऑफ रिमेनिंग पार्ट और x कहां पे होगा जीरो पे होगा x c o m रिमेनिंग का जीरो पे है पहले से x c o m निकालना नहीं कहां पे है जीरो इसी लाइन पे लाइन पे जीरो जीरो बोल दें इसको ओरिजिन को ये ओरिजिन यहां से y कुछ ऊपर होगा कितना ऊपर ये रहा और x तो जीरो ही है
आसान था, पूरी डिस्क में से इस डिस्क को हटा दो, और ये याद रखना होगा डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r/3π। तो उसके लिए रिविजन जरूरी है, मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, यूट्यूब पर टाइप करके हाउ टू रिवाइज बिग मिस्टेक नो रिविजन जरूर देखें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और रिविजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉपिक पर टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बच्चों, लिटरली कोई मतलब नहीं। आज मैं आपको लॉज ऑफ मोशन का एक अच्छा सवाल दे दूं, आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि आप उसको भूल चुके हो। सो बहुत जरूरी है जो पढ़ा है उसको रिविजन करते रहें। उस वीडियो में मैंने आपको रिविजन की स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस की है। चलिए तो इस वीडियो में मैं और कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, एक आपको होमवर्क सवाल दे रहा हूँ, लॉजिक आपको समझाई है, एक होमवर्क सवाल दे रहा हूँ। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी, एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी, और उस प्लेट में से एक सेमी सर्कुलर डिस्क हमने काट ली। इस प्लेट का थिकनेस या ब्रेथ था आर, और प्लेट की लेंथ थी 2r। इसमें से हमने एक डिस्क कट कर ली, ठीक है, और हमसे कहा ये रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास पता लगाना है। डेफिनेटली रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा। ध्यान से देखो, रिमेनिंग पार्ट देखने में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, अगर इमेजिनेशन में प्रॉब्लम है तो रिमेनिंग पार्ट कुछ एक्चुअल में ये बॉडी बचेगी काटने के बाद। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास समझ रहे हो, सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे ही होगा, पता लगाना है कहां पे होगा। तो ओरिजिन में चूज कर ले रहा हूं, ये है 0,0। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और एक सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूर होगा, यहां से 4r/3π। तो मैंने आपको हिंट दे दिए हैं, आप ट्राई करो, आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, भाई वाई सी ओ एम तो जीरो है, लाई तो इसी लाइन पे करेगा, आप एक्स सी ओ एम फाइंड करो किसका, रिमेनिंग का। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि बचे हुए लेक्चर्स कंप्लीट करूं, कल से नए चैप्टर स्टार्ट करने हैं। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।